हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद ब्रदर्स चैनल। आज हम लोग करेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले समझिए सिविलाइजेशन होता क्या। सिविलाइजेशन कब होता है? जब ह्यूमंस लोग अपना एक सोसाइटी बना लें और एक साथ मिलकर रहने लगे, ठीक है, और लाइफ के फाइटिंग या फिर सर्वाइवल को छोड़कर बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें, उसे कहते हैं हम लोग एक सिविलाइजेशन। और धीरे धीरे करके वो और बढ़ती हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ये सब आ जाए, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम लोग सिविलाइजेशन पर धीरे आगे बढ़ना। तो हम लोग को इस सिविलाइजेशन में पता कैसे चलता है या सिविलाइजेशन हुआ ज़्यादा, तो सिविलाइजेशन जो हम लोग पुराने सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं वो हुआ कहाँ पे? सारे के सारे जितना सिविलाइजेशन देखना सब के सब एक रिवर के पास हुए, ठीक है। और इन सभी में एक कॉमन चीज़ किया गया है कि वहाँ पर एक शहर मिलता है, वहाँ पर उनका अपना एक रिलीजन मिलता है, उनका अपना एक राइटिंग होता है, और साइंस मैथमेटिक्स उनका एक अलग डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे या फिर ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग ब्रोंज एज मैन वॉज प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। दे सेटल डाउन इन द रिवर वैली एरियाज बिकॉज द लैंड इन दीज एरियाज वर फर्टाइल एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन वॉज अवेलेबल। क्रॉप्स ग्रू इन प्लेंटी बिसाइड्स क्ले फॉर ब्रिक मेकिंग एंड पॉटरी could also be gathered from river banks. Also water provided an easy mode of transportation both for people and goods. Okay, thus the earliest civilization developed along the river banks nearly the river Nile in Egypt, Euphrates and Tigris in Iraq, Yangtze, Qiang and Huanghu in China, and Indus in India. These rivers give birth to what the known as river valley civilization. River valley civilization में हमें अभी जो इजिप्ट में नाइल रिवर, यूरोफिटिस एंड टिग्निस इराक में, ये सब के पास पास जो रिवर थे और उनके पास जो सिविलाइजेशन हुए, तो जितना भी सिविलाइजेशन, जितना एंशियंट सिविलाइजेशन हमें पता है, वो सब किसी न किसी रिवर के पास हुए थे, ठीक है। और ये रिवर स्टार्ट कब हुआ? ब्रोंज एज में, जब पॉटरी और ब्रिक्स बनाने के लिए उनको क्ले मिल जा रहा था पास में, और काफ़ी आराम से खेती बाड़ी जो भी करना है वो लोग वहाँ पे कर ले रहे थे, क्योंकि पास में रिवर है तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहता था वो लैंड। ओके, अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भाई साहब कब हुए? अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी 4700 साल पहले। अ हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ कैलोथिक एज हैड फ्लरिश्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। This oldest civilization in India was brought to the light only in the beginning of the 20th century in 1921. Dayaram Sahini, an officer in the Archaeological Survey of India, discovered ruins of a city at the site of Harappa in West Punjab. Okay? A year later in 1922, Rakhaldas Banerjee, another officer, discovered a mound at Mohenjo-daro in Ladkhana district of Sindh. Mohenjo-daro in local language means mound of the dead. Excavation at Mohenjo-daro reveals a big city buried under the mound. These are monumentous discoveries. Discovery of these two sites made us realize that Indian civilization began not just coming of the Aryans but much before that in the Copper Bronze Age. It is estimated that the Indus Valley civilization flourished between 3000 BC and 1500 BCE. Since the site of the civilization were first discovered around the river Indus and its tributaries, it was called the Indus Valley Civilization. Since Harappa was the first site to be discovered, it has also been named Harappan Civilization. तो Indus Valley Civilization क्यों बोला जाता है? क्योंकि Indus River के पास है, और उसको Harappan Civilization भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहला सिटी जो डिस्कवर किया था हमने उस सिविलाइजेशन का, उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए उसे Harappan Civilization भी कहा जाता है। तो ये हुआ कैसे स्टार्ट? हम लोग का जो ये Indus Valley Civilization के बारे में पता कब चला? पता चला 1921 में, वो भी किसने पता किया? दयाराम सहनी ने पता किया एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। उसके बाद फिर 1922 में रखलदास बनर्जी को
भी एक डिस्कवरी हुआ एक माउंट का मोहिंजोदाड़ो में। ओके, मोहिंजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। अब एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेयर डिड द सिविलाइजेशन फ्लरिश? इनिशियली इट वॉज बिलीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर डिस्कवरीज दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कन्फाइंड टू द वैली ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ओनली, बट द रूइंस ऑफ द सेम सिविलाइजेशन अनअर्थेड इन चनहू दाड़ो यानी सिंध, लोथल यानी गुजरात, कलिंग बंगान यानी राजस्थान, अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, रोपर पंजाब, बानावाली यानी हरियाणा, सुकतिन यानी साउथ बलूचिस्तान एक्सेट्रा प्रूव दैट द सिविलाइजेशन हैड फार स्प्रेड फार बियॉन्ड द इंडस वैली सो मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। बाकी कुछ होते हैं ना कि बस एक वैली के आसपास या रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन बनाना, पर वैसा नहीं, ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ऑलमोस्ट कवर कर चुका था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन वेयर पॉसिबली द ट्विन कैपिटल ऑफ द सेम सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हो सकता है इसका ट्विन कैपिटल हो सकता है, क्योंकि एक होगा शायद पॉलिटिकल कैपिटल, दूसरा इकोनॉमिकल कैपिटल, ऐसा माना जाता है। ठीक है, द टू सिटीज वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट ऑन आइडेंटिकल प्लान्स ऑफ वेल लेड आउट स्ट्रीट एंड एन एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ बता रहा है कि ये दोनों सिटीज़ का प्लानिंग ऑलमोस्ट एक जैसा था और काफ़ी अच्छा प्लानिंग था। नाउ लेट्स सी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर सेट अप इन अ प्लान्ड मैनर। मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिटीज वेर डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स। द हायर पार्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सिटाडेल बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। द सेकेंड पार्ट was larger but lower and considered to mainly brick houses where the common people lived in. Some cities special buildings were constructed on the citadel. तो वहाँ पर टाउन प्लानिंग कैसे किया गया था? तो दो पार्ट में बांट दिया गया था सिटी को। ठीक है, एक ऊँचा पार्ट एक नीचा पार्ट। ऊँचे पार्ट सिटीडल, वहाँ पर शायद मेन लोग या फिर जो रिच लोग रहते थे या पावरफुल पीपल वो रहते थे, और लोअर पार्ट में नॉर्मल सिटीजन वो लोग रहते थे। ठीक है, द सिटीज हैड वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, इलेबरेट ड्रेनेज सिस्टम एंड रेजिडेंटल एरियाज। द मेन स्ट्रीट विच वर 4 to 10 meters इन विथ रैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेर कट एट राइट एंगल्स बाय स्मॉलर स्ट्रीट। द एंटायर सिटी थस वॉज डिवाइडेड इन टू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। द मेन रोड वॉज पेव्ड विथ बर्न्ट ब्रिक्स and were rounded off at the corners to allow each monument of heavy carts. There are lamp posts at regular intervals or for street lights. ठीक है, तो ये सिटी बहुत ही अच्छे से प्लान्ड आउट किया था। तो स्ट्रीट्स के बीच में जगह है कार्ट वार्ट ले जाने के लिए, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, रेजिडेंट एरिया भी बहुत अच्छे से बनाया है जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ जगह भी बनाया जहाँ पे ऐसा लगता है कि लैम्प पोस्ट लगा के लाइट जलाया रहता था रात में। ओके, द हाउस वेयर ऑफ वेरिंग साइजेस बिल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। दीज हाउसेज वेर नॉट अलाउड टू एनक्रोच ऑन द रोड्स। जनरली हाउसेज वेर ईदर वन और टू स्टोरी हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। द हाउसेज मेड ऑफ बेक ब्रिक्स हैड पेव्ड floors and flat roofs. Most houses had well and bathroom with paved slanting floors to let the dirty water flow into the drains. तो यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो ऐसा नहीं बनाते कि भाई रास्ते पे आ जाए, स्ट्रीट पे आ जाए। ओके, वो दो तल्ला का जनरली, ठीक है, टू फ्लोर्स का हाउस रहता था और उसमें उनके पास अपना एक वेल भी रहता था। ठीक है, और अच्छे से नीचे का फ्लोर बना रहता था, अच्छा रूफ भी रहता था। ठीक है, और थोड़ा स्लांटेड रहता था ताकि जो गंदगी हो वो ड्रेनेज की तरफ चला जाए। ओके, दो साफ सफाई करने पे अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। अ यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग वॉज द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन्स वेयर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड रैन अलॉन्ग द स्ट्रीट्स। दीज वेयर केयरफुली लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स।
Drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led to bigger ones. Solid water were thrown into pits, while only dirty water was allowed to drain off. As the drains were covered, inspection holes were provided at regular intervals to clean them. The drainage system has shown that the people had great concern of sanitation. तो ड्रेनेज सिस्टम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही अच्छा था, ठीक है। वहाँ पे केयरफुली बनाया गया था कि छोटे छोटे ड्रेन्स एट द एंड एक बड़ा ड्रेन में आते थे, और ड्रेनेज में सिर्फ गंदा पानी ही जाता था। और वहाँ पे कहीं कहीं पे जैसे मैन होल अभी आप लोग देखते हैं, वहाँ पे मैन होल भी उस समय था, और उससे क्या करते थे, ड्रेनेज का साफ सफाई कर लेते थे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम भी लोग कितने ज़्यादा सैनिटेशन को ध्यान रखते थे, मतलब साफ सफाई पर कितना ज़्यादा ध्यान रहता था, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ द सिटेडल, ओके, तो सिटेडल के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, द ग्रेट द रिमार्केबल स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द सिटेडल इन मोहनजोदाड़ो वॉज अ लार्ज बिल्डिंग एनक्लोजर विथ चेंजिंग रूम्स एंड गैलरीज ऑन ऑल साइड। द स्विमिंग पूल विच वॉज सिचुएटेड एट द सेंटर मेजर 12 meters बाई 7 meters। The floor of the swimming pool was made up of burnt bricks, and its wall had been made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides. Water was probably brought in from a well. Used water was discharged by a drain connected to the pool. The Great Bath is the finest specimen of engineering skill of the Harappan people. The tank was probably used for ritual bathing on special occasion. तो ग्रेट बाथ के बारे में बताया गया, क्या 12 meters by 7 meters का लेंथ और ब्रेथ था उसका, ठीक है। और वो एकदम जैसे आजकल का पूल है वैसे ही पूरी तरह से फुल प्रूफ था, ऐसा नहीं कि पानी लीक होते रहे। और वैसे पानी आने का कुछ जगह नहीं था, तो माना जाता है कि वेल से पानी लेके आया जाता था, इसमें ढाला जाता था। और इसमें कोई फंक्शन या कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार या कुछ वैसा होता हो तभी इसमें लोग नहाते थे, एक तरफ से आके नहा के दूसरी तरफ निकल जाते थे, ये माना जाता है, ओके। अबे द ग्रेट ग्रैनरी, द लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट हड़प्पा इज द ग्रेट ग्रैनरी विच वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन्स। देयर वर टू रोज ऑफ ग्रैनरीज एंड ईच रो हैड 6 ग्रैनरीज। स्मॉलर ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। These granaries stood close to the river, also that grains could be transported easily and cheaply. तो ग्रेट ग्रैनरीज क्या है, जहाँ पे वो लोग अपना ग्रेन्स या फिर खाना या फूड स्टोर कर रहे थे। ये जनरली बहुत सबसे बड़ा वाला कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है सबसे बड़ा वाला, उसके बाद मोहनजोदाड़ो और लोथल में मिला, पर थोड़ा छोटा है इससे। और ये रिवर के थोड़ा पास में रहता है ताकि जल्दी जल्दी जितना भी खाना है वो अच्छे से स्टोर कर पाए, ज़्यादा पास नहीं पर नॉर्मल डिस्टेंस पर रखा गया है, ओके। अब आते हैं द असेंबली हॉल, द लार्ज पिलर हॉल हैज़ बीन अनअर्थेड एट मोहनजोदाड़ो। इट हैड 20 massive pillars मेड ऑफ ब्रिक्स। इट माइट हैव बीन यूज्ड एज असेंबली हॉल, अ प्रेयर हॉल और अ पैलेस। तो असेंबली हॉल को मान 20 बड़े बड़े क्या पिलर से बना, वो भी क्या ब्रिक्स के पिलर से, ओके। और ये माना जाता है कि या तो असेंबली हॉल था, प्रेयर हॉल था, या एक पैलेस था, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि क्या है था पता नहीं, पर माना जाता है या तो एक असेंबली हॉल या फिर एक सिटेडल जैसा प्रेयर हॉल या फिर एक पैलेस था किसी का। द डॉक यार्ड एट लोथल, ओके, द डॉक यार्ड एट लोथल, अ रिमार्केबल डिस्कवरी एट लोथल इन गुजरात इज अ डॉक यार्ड। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक यार्ड सजेस्टेड दैट द हड़प्पन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ये डॉकयार्ड देख के कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स काफ़ी एडवांस थे, और वो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि अलग अलग जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ रिमेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब उस टाइम से वहाँ पे ट्रेडिंग वेडिंग चालू हो गया था, ठीक है। ये डॉकयार्ड का ये एक सिग्निफिकेंस है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके रिलीजन और उसका एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। नाउ इफ यू कैन सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब।